सब्सक्राइब करन्तु विपिन बिहारी सामल चैनल को, प्रेस करन्तु पाखरे थिबा बेल आइकन को, जहाँ फलरे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। भागवतर दशम लक्षण बा अंतिम लक्षण होउछि आश्रय। आध्यात्मवादर शेष कथा हला आश्रय, प्रभुंक पाद तले आश्रय, सबु तत्वर सार हला आश्रय। सकल जीव जगत परमात्मांक ठारु यात्रा आरंभ करी पुनश्च जीवन शेषरे तांकरि ठारे यात्रा को अंत करि थांति। जिए जेउं ठारु आसी थाए सेही स्थान को से फेरि जाए, जिए जो ठारु आसी थाए सेहिटी पुनश्च पहुंचिबा होउछि आश्रय। जिए चराचर ब्रह्मांड को तैयारी करती पुणी प्रलय करती से परमात्मा होती समस्त आश्रय। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, ये गीतार कथा। ज्ञान उदय होगा मन कर्म बंधन मुक्ति पाइबा परे से परम धाम जीव आश्रय निए। यही आश्रय तत्व को जानवापी पूर्ववर्ती नौटी जाक तत्व को निरूपण कर नवलक्षण भागवतर। सुखदेव गोस्वामी कहते हे राजा परीक्षित, परमात्मा भगवान समस्त आश्रय, मात्र से कहारी आश्रित नुहंति। से ही सर्वशक्तिमान निर्भर शून्य परमात्मा हरि समस्त देहरे पूरी रही थिबारु तांगर नामकरण कर नरहरि। समस्त इंद्रिय मानक अधिष्ठात्रु देवता हेउचन्ति से निजे। सेइतिपई भागवत रे कि सुंदर भाव रे पदटिए कहिले, कहले से अधि देवता बोलाई अधिभूतंक आत्मा से ही केशव 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 भकत जनक बांधव। तेबे प्रभु कौन बोली कहिले, कहले से अधि देवता बोलाई अधिभूतंक आत्मा से ही। कल्प परे कल्प बीती जाए, प्रलय परे से तो अव्यक्त हो थांती, पुणी जेते बेले नूतन सृष्टि रो काल उपनीत हो जाए। ब्रह्मांड निर्माण बीज भंडार अंड को भेद करी से प्रथमे निजे शरीर धारण करती, तत्व दर्शन कराई सुखदेव गोस्वामी सेइतिपई कहुचंती, कले सर्व आश्रय तार नाम पुरुहूत पुरुष नाम से जेते बेले अंड भेदी बाहर होई गुण निधि आत्मार स्थान चिंता करी स्वभावे जल रूप धरी केशव 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 भकत जनक बांधव। भोलानंद कंद भगवान की जय। सर्व आश्रय परमात्मा ब्रह्मांड को भेद करी प्रकट होबा परे तांको नाम दिया गला पुरुष। अव्यक्त सत्तारे लिंग निरूपण हो पारे ना सजन वृंद, जी अव्यक्त ब्रह्म तांकर से स्त्रीलिंग नुहंती कि पुलिंग नुहंती। जेते बेले निज निराकार स्वरूप रु साकार रूप को प्रकट करती सीए सेते बेले तांकर लिंग दृश्य हुए। सेइतिपई आत्मा पुरुष परमात्मा को पुरुष पदवाच्य करा जाइछ। सकल सृष्टिर पुरुषार्थ को बहन करिथिबारु से एकमात्र होउचंती पुरुष पदवाच्य। विराट पुरुष ब्रह्मांड भेद करी शरीर धारण करी निर्गुण रु गुण निधि सगुण हो गले। चराचर प्राणी जगत निर्माण उद्देश्य रे से स्थान कथा चिंता कले, तापरे कौन हैला जानंती से निजे जल रूप धारण कले, अर्थात तांको निज भितरु से प्रथमे जल को बाहर कले। आपण माने कार्य कारण तत्व को समस्ते जानिथिबे, माटी जदि कार्य हला तार कारण होउछि जल, जल जदि कार्य हला तार कारण होउछि अग्नि माने H2O। हाइड्रोजन दुई गुण ऑक्सीजन गोटे गुण, हाइड्रोजन दुई गुण ऑक्सीजन गोटे गुण रे जल तत्वर निर्माण होई। तेबे सजन वृंद प्रभु निजे हेउचंती से तेजमय अग्नि, तेणु निज भितर प्रथमे से जल को उत्पन्न करी पारिले। भागवत रे सेठी जल नाम को नार बोली घोषणा करा जाइछि बा लेखा जाइछि। जल शब्दर आउ गोटे शब्द होउछि प्रतिशब्द कौन ना नार। कारण कौन, विराट पुरुषंकर अन्य नाम हला नर। न कहिले नव माने नुआ, र कहिले रसा, रसा माने पृथ्वी। ब्रह्मांड होची मर्त्यलोक, समग्र सृष्टि को बुझाए। नवनिर्मित रसार निर्माता होइतिबारु तांको नाम होची नर। सुखदेव गोस्वामी तेणु कहुचंती,
कले पुरुष नाम नर हेला तही रे नारो जे व्यापिला दृश्य दृश्य रे कारण तेणु से नाम नारायण केशव 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 भकत जनक बांधव नर ठार सृष्टि होइथिबारु जलर नाम हैला नार तेबे ओडिया रे जलर अन्य नाम होउछि नीर से जल मध्ये मायाधर रहिले सहस्र वर्षर एक हजार वर्ष पर्यंत भासमान अवस्था रे रहिले प्रभु जल भितरे कारण जल रे जिए सदा भासमान से होउछन्ति केशव नार मध्यरे बा नीर मध्यरे एक हजार वर्ष शयन करिथिबारु तांको नाम हैला नारायण नार जुक्त अयन नारायण राम जुक्त अयन जमिति रामायण अयन कहिले निवास स्थान घर बा मंदिर रामंकर चरित्र होउछि रामायण माने रामंकर जो पुराण रे बास बा निवास अयन ताहा होउछि रामायण सेमिति नार रे बा नीर रे विराट पुरुषंकर रहणी हेथिबारु से हेले नारायण जगन्नाथ दास कहिले कहले दृश्य अदृश्य रे कारण तेणु से नाम नारायण माटी तले सबुठि पानी अछि सजन वृंद हेले सबुठारे थिबा पानी देखा जाउ नाही नई पोखरी कुओ समुद्र रे नीर दृश्यमान स्थल भाग रे नीर होउछि अदृश्य थिले मध्य देखा जाउ नाही माटी तले जेमिति नीर सर्वव्यापक होई खेली रहिछि ईश्वर सेमिति सबुठारे खेली रहिछन्ति तेणु से नीर आकार निराकार केउठी अदृश्य तो केउठी होउछन्ति दृश्यमान माटी को खोली कठिन परिश्रम कले नीर पाइबारे आमर कौनसी असुविधा हेबनी सेमिति कठोर तपस्या द्वारा भक्त निराकार को साकार रूपे दर्शन करी पारे निराकार रो आउ गोटी अर्थ हैला सजन वृंद नाही जहार आकार निराकार नाही को संस्कृत रे कहंती नास्ति नास्ति को संधि विच्छेद कले कौन हुए न जुक्त अस्ति माने नास्ति न कहिले नाही अस्ति कहिले अच्छी तेणु एथुरु जना पड़ा कौन भगवान केते बेले दृश्यमान माने अछंती केते बेले से अदृश्य माने नाहंती जीव को एपरी से प्रतीत हुंती से सब बेले किंतु अछंती जेते बेले सब बेले अछंती से साकार जेते बेले नाहंती से होचंदे निराकार सत्ता सृष्टिर आवश्यकता को नहीं साकार हुंती ताहा हुचि तांकर साकार सत्ता जेते बेले सृष्टिर आवश्यकता पूर्ण हो जाए से पुनी अव्यक्त हो जानती ताहा हुचि निराकार सत्ता तेबे जहा हेउ नारे अयन हेबारु नाम होउछि नारायण सहस्र वर्ष जल रे शयन करिबा परे प्रभु तांको निज अनुग्रह रु गुण रे आलोडन सृष्टि कराइले आउ सेथिरु कोन जन्म नेला से द्रव्य गुण कर्म काल स्वभावे होई एक मेलो जहानु ग्रहे उपजंती जहानु ग्रहे लीन जानती केशव 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 भकत जन नंद कंद भगवान के सृष्टि गतिशील हेबा पई प्रभु को इच्छा रे पांचटी जिनिस उत्पन्न होई से माने सतावान होई गले तबे से गुडी को कौन कले द्रव्य गुण कर्म काल एवं स्वभाव ए पांचटी गुण प्रभु निज भीतर उत्पन्न कराइले कारण परवर्ती अवस्था रे से गुडी को काम रे लागिवो बोली द्रव्य हेउछि जीवर व्यवहार्य उपकरण विभिन्न प्रकार द्रव्य बिना प्राणी जीवन धारण करिपारिबो नाही तेनु जीव सृष्टि हेबा पूर्वरु द्रव्य को भगवान उत्पन्न कराइले सत्व रजतम त्रिगुण आधार रे जीवर प्रकृति प्रकाश पाइबो कर्म न कले जीव को किछि प्राप्त हेबो नाही काल हेउछि आरंभ मध्य आउ शेष सबुर साकी हेउछि काल जीव कर्म करिबो काल ताको फल प्रदान करिबो स्वभाव जीवर इंद्रिय मानको कर्म प्रति आकृष्ट कराइबो प्रभु अनुग्रह सृष्टि प्रक्रिया आग को आगे ये सब उत्पन्न हो गले पुणी समय आसिले से प्रभु अनुग्रह सब तांकरी भितर पुणी लीन हो जाती परमात्मा बिना कौन सी तत्वर सता ना सजन वृंद जोग निद्रु उठिला से देखिले समग्र सृष्टि से एकमात्र अवस्थान करते बड़ सृष्टि एक रु अनेक हाँपी निज को निजे से इच्छा प्रकट कर
ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର କେ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ତା ଶରୀର ଭ୍ରମୟୀ ତ୍ରିଧା ଅହଙ୍କାର ଅଧିଦେବତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧିଭୂତଙ୍କ ଅଧିରେକ ଗୁଣ ପୌରୁଷ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ତ୍ରିବିଧ ବିଧି ବହେ ହେଳେ କେଶବ 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 ଭକତ ଜନଙ୍କ ବାନ୍ଧବ ଭୋଳାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଜୁଜୁଲ୍ୟମାନ ମାୟା ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବୀଜ ତାଙ୍କ ନିଜର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧି ଦୈବିକ ଆଧି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ ମନବଳ ଆଉ ଶାରୀରିକ ବଳର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ସକଳ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ରାଜା ପ୍ରାଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖ ତାଳୁ ଜିଭ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଉଦର ଅର୍ଣ୍ଣ 72,000 ନାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୃଦୟ ସବୁ ଜାତ ହେଲା। ବିଷୟ କାମନା ଓ ସଂକଳ୍ପ ବି ଜାତ ହେଲେ। ପୃଥିବୀ ଜଳ ଓ ତେଜରୁ ସପ୍ତ ଧାତୁ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥୂଳ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପରମ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଜୀବ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ କଥା, ତାଙ୍କର ସେଇ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରହ୍ମା ମଣିଷର ଆକୃତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେଇ ଏକ ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ବା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପ ଧରି ମନକୁ ସର୍ଜିଲା କହିଲେ ଋଷି ଦେବତା ପିତୃ ମେଳେ କେଶବ 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 ଭକତ ଜନଙ୍କ ବାନ୍ଧବ କଲେ। ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପ ଧରି ମନକୁ ସର୍ଜିଲା କହିଲେ ଋଷି ଦେବତା ପିତୃମଳେ। ସେଇ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଜାପତି ମନୁ ଦେବତା ଋଷି ପିତୃଗଣ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଅସୁର ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ଅପସରା ନାଗ କିମ୍ପୁରୁଷ ଉରଗ ମାତୃକାଗଣ ରାକ୍ଷସ ପିଶାଚ ପ୍ରେତ ଭୂତ ବିନାୟକ କୁଷମାଣ୍ଡ ଉନ୍ମାଦ ବେତାଳ ଜାତୁଧାନ ଗ୍ରହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ସରୀସୃପ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ। ଚର ଅଚର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଜରାୟୁଜ ଅଣ୍ଡଜ ଶ୍ୱେଦଜ ଉଦ୍ଭିଦଜ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜୀବଜଗତ ଇଏ ସବୁ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରୁ ଇଏ ସବୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରକଟ କରେଇଲେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ମହାତ୍ମାମାନେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ରୂପକୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଶୁଣେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ଶୁଣ, ସେ କଥାଟି କ'ଣ? ଏ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପିତ ସଂସାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଟିଏ ହାର ଏ ନିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିଧି ଯେ ପୂର୍ବ କାଳ ହୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କେଶବ 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 ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, କଳ୍ପ ଆଉ ମହାକାଳ୍ପ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟିକ୍ରମ ଏକାପରି ହେଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ଓ ମହତତ୍ଵ କିନ୍ତୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ କେବଳ ଚରାଚଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନୂଆ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ମହାକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ମହତତ୍ଵକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନିଜେ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରକୃତି ଓ ମହତତ୍ଵକୁ ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରି ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କୃତ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୃତ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ। ତାପରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, କଳ୍ପ ମନନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି କାଳର ପରିମାଣ କଥା ମୁଁ
परे तुमको कहिबि ताहा तृतीय स्कंद अष्टम स्कंद रे आलोचना हेछि। एबे आमे सुक परीक्षितक संवाद रु टिकिए सुत सौनक संवाद को जीवा सजन वृंद नैमिषारण्य रे महर्षि सुतंक ठारु सौनकादि 88,000 ऋषि भागवत श्रवण करुचंति। सुक परीक्षित संवाद रु भागवत दश लक्षण और सृष्टि निर्माण कथा श्रवण कला परे सौनक ऋषि कहिले हे सुत महाभाग एबे आमको बाकी थिबा कथा को सुनई दियंतु जे परम भक्त विदुर संसार मोह त्याग करी किपरि पृथ्वीर तीर्थ भ्रमण रे जाइथिले मैत्रेय ऋषि सह साक्षात करी आध्यात्म संबंधी कथा भाषा से कोण कोण होइथिले केऊ जागा रे से कथा बा संवाद होइथिला मैत्रेय आ विदुरंको भितरे सेई कथा हमकु विशद भाबरे कहंतु। मैत्रेय ऋषि विदुरंकु केऊ उपदेश देइथिले भाई बंधु को छाड़ी विदुर गोस्वामी कहीं तीर्थ भ्रमण रे गले पुणी कहीं निज राजवास को फेरी आसी श्री सुत महर्षि कहिले ठीक अच्छे यही एका प्रश्न परीक्षित महाराज मध्य सुखदेव गोस्वामी को पचारिथिले तेन मुँह ठारू जहाँ शुणी सुत कहते मुठी गंगा तटे जहाँ शुणी आज तुम मानक से ही कथा कह गोस्वामी जहाँ उत्तर में कही तुमको कहूँ शुण एठी द्वितीय स्कंदर संपूर्ण शेष होइछि सजन वृंद तृतीय स्कंदर आरंभरु सुखदेव गोस्वामी विदुर चरित केमिति आरंभ करिछन्ति आमे परवर्ती पर्यायर तार आलोचना को जारी रखिबा।